हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पेंटा मीडिया टेक्नोलॉजीज पे। और जैसा हम लोगों ने कहा था पिछली वीडियो में, दुरुस्त बना के रखेंगे। जिन लोगों को नहीं पता दुरुस्त क्या चीज थी, क्लिक करिए और पिछली वीडियो को देखिए। आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने, आप लोगों को एक नया ज्ञान बांटने के लिए। तो मैं आपका होस्ट और डिजिटल दोस्त दानिश लेके आ गया हूँ एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो ऑन न्यू टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों इस वीडियो का टाइटल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सोशल मीडिया ही नया एसईओ है, और इस बात को प्लीज थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि जो मिस्टेक एसईओस कर रहे हैं वो ये है कि अपने ट्रेडिशनल तरीकों पे अभी भी चिपके हुए हैं, ट्रेडिशनल तरीके ही यूटिलाइज कर रहे हैं अपने एसईओस को रैंक करने के लिए, अपने पेजेस को रैंक कराने के लिए। जबकि सोशल मीडिया का लीवरेज लेना बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज फार एज ट्रैफिक इज कंसर्न। एंड सोशल मीडिया से जो ट्रैफिक आ रहा है वो जा किधर रहा है, आपकी वेबसाइट पे, दैट इज इंक्रीजिंग योर एसईओ। सो यहाँ पे चार पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे आप अपने सोशल मीडिया से वो लीवरेज ले सकते हैं अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की, मार्केट योर ब्रांड। लोग बाग जनरली गलती क्या करते हैं, वो जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं। कोई ब्लॉग लिखा है तो ब्लॉग के बारे में ज्यादा बात करेंगे। गलती है दोस्तों, थोड़ी गलती है, मैं ये नहीं बोलूंगा 100% गलत है, पर थोड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि अगर आप टॉपिक से ज्यादा अपने ब्रांड को मार्केट करेंगे ना, अगर आप ये बताएंगे हमारा ये ब्रांड है और हम इस बारे में ज्यादा बात करते हैं, एंड अगेन एंड अगेन यू आर रिपीटिंग दिस वर्ड, हमारा ये ब्रांड है हम इस बारे में बात करेंगे, हमारा ये ब्रांड है हम ये सोल्यूशन देंगे, वहां पे लोग आपके ब्रांड को याद रखेंगे। टॉपिक आ जाया, कल नया आ गया, परसों नया आ गया, टॉपिक चेंज होते रहते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स चेंज होते रहते हैं, नए नए सॉल्यूशंस आते रहते हैं, बट ब्रांड का नाम नहीं चेंज होता है। और ब्रांडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर आपको एसईओ में वंडर्स करने हैं तो। सो अगेन फर्स्ट पॉइंट, मार्केट योर ब्रांड नॉट योर टॉपिक। सेकेंड पॉइंट, क्रिएट एंगेजिंग कॉन्टेंट। ये तो आपने काफी सारी वीडियोज में सुन लिया होगा, सब लोग यही बात करते हैं, वही घूम फिर के फिर वही आ गए, क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट। बट ये एंगेजिंग कंटेंट है क्या? सो एंगेजिंग कंटेंट के लिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, एंगेजिंग कंटेंट का कोई हैक नहीं होता है। एंगेजिंग कंटेंट आपको अपनी ऑडियंस को समझ करके देना पड़ता है, एंड एंगेजिंग कंटेंट बनाने के पीछे ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कैनवा हो गया, आप ऐसे फ्री टूल्स को यूज कर सकते हैं अपना एंगेजिंग कंटेंट बनाने के लिए। और जैसे मैंने बोला, देयर इज नो हैक टू क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, यू विल बी एबल टू क्रिएट एंगेजिंग कॉन्टेंट। एंगेजिंग कॉन्टेंट बना पाएंगे, साथ के साथ ध्यान रखिए कलर्स का, बहुत ज्यादा हाई कलर्स ना हो, हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स ना हो, शुड लुक लाइक सोबर, बहुत ही सूदी लगना चाहिए आंखों को। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आप अपने कॉन्टेंट के अंदर डाल सकते हैं, अपने क्रिएटिव के अंदर डाल सकते हैं। बट एंगेजिंग कॉन्टेंट क्रिएटिव बनाना इज द सेकेंड बेस्ट पोर्शन, जिसकी वजह से आपके पास आपका ट्रैफिक खिंचा चला है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो यूजुअली 99% लोग, या मैं बोलूंगा इफ नॉट 99% 99.9% लोग आप में से छोड़ देते हैं, दैट इज बी पंक्चुअल एंड कंसिस्टेंट। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पंक्चुअली सेम टाइम पे रिपीट करते रहिए, एंड कंसिस्टेंटली करते रहिए, हर दिन करते रहिए। ऐसा मत करिए कि आपने 7 दिन करा 8 दिन करा, और ऐसा यूजुअली हमारे साथ हो जाता है। हम कई बार बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीजों पे दिमाग लगाते हैं, बहुत क्रिएटिव्स के बारे में सोचते हैं, बहुत स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं, बट अल्टीमेटली होता क्या है, हमारी सारी स्ट्रैटेजीज ऑल गो इन गटर, ऑल गो इन वेन, क्योंकि वैसा रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहा जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। दोस्त होगा, वैसा रिस्पॉन्स जनरेट होगा, 101% होगा, बट उसके लिए यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर गुड डिजाइन, गुड कॉन्टेंट, गुड एवरीथिंग। तो गुड इज अ परसेप्शन गाइज, हर एक चीज के लिए एक गुड और एक बैड का परसेप्शन होता है। तो आप कभी भी ये डिसाइड मत करिए लोगों को कैसा लगेगा, लेट इट गो। आपने देख लिया मार्केट का ये ट्रेंड है, लेट इट गो, लेट इट पब्लिश, देखिए लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि ये अच्छा है या बुरा है, बिकॉज एज अ सेट गुड और बैड इज अ परसेप्शन। तो कभी भी ये सोच के किसी भी पोस्ट को अपलोड करने से रुकिए मत कि ये अच्छा नहीं लगेगा, ये क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे। If you have created it and if you think it's good, don't worry about it. So be consistent, be punctual and you will see the results. And final and fourth point, social media के लिए, SEO को strong करने के लिए, is repeat the process with a daily trend. आप लोगों को भी पता है इंडिया इतना vast country है, हर दिन हमारे पास नए ट्रेंड आते हैं, कभी JCB ट्रेंड करने लगता है, कभी क्या ट्रेंड करने लगता है, अजीब अजीब चीजें काफी ट्रेंड करने लगती है। सो मेक श्योर आप इस ट्रेंड का फायदा उठाएं, ना कि सिर्फ हंसे, खून बढ़ता है, हेल्थ अच्छी होती है, बट हंसने के अलावा अपने बिजनेस को ग्रो करने का भी इसमें मौका तलाशी, अपॉर्चुनिटी तलाशी।
आप किस तरीके से इस ट्रेंड को सोशल मीडिया पे कंटेंट के थ्रू कनेक्ट करके अपनी सर्विसेज प्रमोट कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि कोई भी चीज जब ट्रेंड में रहती है उस टाइम पे वो ट्रैफिक को सबसे हाई एंड पे डिलीवर कर रही होती है। तो इस चीज का लेवरेज उठाना मत भूलिए, क्योंकि लोग एक गलती यूजुअली कर देते हैं जहां पे वो इस चीज का लेवरेज उठाने के बजाय सिर्फ इस पे ठहाके मारते हैं, हंसते हैं, दो तीन जगह शेयर करते हैं एंड दैट्स इट। बट कितना बढ़िया होता अगर आपने वही कंटेंट, वही ट्रेंड को अपने बिजनेस से, अपने कंटेंट से, अपने क्रिएटिव से कनेक्ट करके अपने आप को, अपने ब्रांड को प्रमोट किया होता ऑन सोशल मीडिया, और सिर्फ यही नहीं, इसके थ्रू आपने जनरेट किया होता ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के लिए, जो कि अल्टीमेटली क्या करेगा आपके लिए, आपका एसईओ स्ट्रांग करेगा। तो ये गलती ना करिए, बी वेरी ट्रेंडी, ट्राई टू बी इन ट्रेंड, ट्राई टू गो विद द ट्रेंड, और इस ट्रेंड को आप किस तरीके से अपने बिजनेस में कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एस्पेक्ट। सो ये चार पॉइंट दोस्तों आपको असिस्ट करेंगे एसईओ स्ट्रॉन्ग करने में विद द हेल्प ऑफ योर सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया जब हम बोल रहे हैं तो कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, यू हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स वेयर ऑन यू कैन डू द सेम थिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, कोरा, पिंटरेस्ट, बहुत सारे, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि शायद नाम लेते लेते शाम हो जाएगा, बट इनमें से कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्म जिस पे बहुत हैवी ट्रैफिक है, आप ये चार पॉइंट्स उन पे ट्राई कर सकते हैं एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर एसईओ ग्रोथ। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि भाई ये सब आपके इंपॉर्टेंस के लिए है, हमें तो आता ही है, हम शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग भी शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।